नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रुकते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। खबर है अयोध्या से। अयोध्या में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला कमेटी अयोध्या द्वारा देवकाली में एक हाल में महिला हिंसा के खिलाफ सेमिनार का आयोजन। समिति के अध्यक्ष कामरेड अनीता यादव के अध्यक्षता व जिला सचिव कामरेड मालती तिवारी के संचालन में आयोजित हुआ। वही मुख्य अतिथि महिला समिति की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कामरेड मधु गर्ग मौजूद रही। सेमिनार की शुरुआत में कामरेड लीला नंद कॉन्वेंट स्कूल की प्रबंधक कामरेड राजेश नंद व कामरेड मालती तिवारी ने क्रांतिकारी गीत सुनाए। सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी महिलाओं को दबाया जा रहा है और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। इसके बावजूद भी हमारे देश की लड़कियां हर मामले में आगे बढ़ रही हैं। देश का नाम रोशन करें, अगर हम युवतियों व महिलाओं को आगे बढ़ने का काम करें तो निश्चित तौर पर महिलाएँ भी आगे बढ़कर काम करेंगी। लेकिन मौजूदा हालत में महिलाओं पर हिंसा बढ़ रही है। इस सेमिनार के अवसर पर दर्जनों युवतियां व महिलाएं मौजूद हैं। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से सतीश यादव की रिपोर्ट। एक शासक, एक पार्टी आई है तालिबान, जिन्होंने कहा है कि लड़कियां पढ़ने नहीं जाएंगी, लड़कियां यहां तक पूरा ढकेंगी, कोई अधिकार नहीं है, लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती, तो वो शरिया कानून ला रहे हैं। तो और हमारे यहाँ कौन सा कानून आ जाएगा? तो घर में रहो, बच्चे पैदा करो, खाना बनाओ, पति की सेवा करो। पति अंधा हो, कोड़ी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, दूसरी औरतों और संविधान क्या कहता है कि अगर गलत है तो तुम्हारा पढ़ने का अधिकार है, तुम्हारा नौकरी का अधिकार है, तुम्हारा आजादी का हक है, जो एक नागरिक का हक होता है संविधान में, चाहे वो आदमी हो और चाहे औरत हो। क्या क्या चीज़ हुआ यहाँ प्रोग्राम बताइए। देखिए, आज जो है एक तो महिला हिंसा पे खास तौर पे जो देश के अंदर जो महिलाओं पे बड़े पैमाने पे हिंसा हो रही है उसके खिलाफ आज यहाँ पे सेमिनार हुआ। और इस सेमिनार के मुख्य अतिथि जो है जनवादी महिला समिति की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कमेटी की सदस्य कमल मधुगर जी मौजूद थी। और उन्होंने इस सेमिनार को संबोधित करते हुए पूरे देश की और प्रदेश की तमाम महिलाओं और युवतियों से अपील करते हुए कहा कि आज हमारी देश की जो महिलाएं और बहनें अगर आज जागरूक नहीं हुई तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में महिलाएं ऊपर जो हिंसा पड़ रही है और बड़े पैमाने पर हिंसा पड़ेगी। क्योंकि प्रदेश के अंदर जो सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर देती है, लेकिन उन्होंने बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जो कि अराजकता का माहौल बना करके अभी आपने देखा कि पंचायत चुनाव में किस तरीके से महिलाओं का चीरहरण तक किया गया, लेकिन अपराधी बेखाव घूम रहे हैं और महिलाओं को उनको न्याय नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पे आज जो समाज के अंदर जो ये कुरीतियाँ हैं, खासतौर पे महिलाओं को लोग आगे नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, केवल उनको घरों में कैद करना चाहते हैं, ये बहुत ही भयावह हालात है। और आपने अभी देखा कि तमाम जो ओलंपिक गेम हुए देश के अंदर, पूरे विश्व में जो भारत का जो डंका बजाने वाली हमारी युवतियाँ हमारी महिलाएँ ही देश का सर गर्व सूचा किया है। निश्चित तौर पे हमें लगता है कि महिलाओं को भी आगे आकर के उनको जागरूक होना पड़ेगा। और